ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्वास्थ्य ज्ञान राशिफल में। सेहत से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान और दुनिया भर का ज्ञान पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्वास्थ्य ज्ञान राशिफल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दर्शकों, ये एक ऐसा वीडियो होगा जिसके माध्यम से हम आपके साथ जुड़ेंगे और आने वाले कई सालों तक आपकी मदद करेंगे। कई लोग अपना दैनिक राशिफल जानकर अपने आने वाले समय में कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं और यदि आपको कुछ चेतावनी मिलती है तो आप सतर्क भी रह सकते हैं। पर हमने ये अक्सर पाया है कि कई लोग रोजाना अपना दैनिक राशिफल जानने के बाद भी उन्हें अपने समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। दैनिक राशिफल में अक्सर आप ऐसी बातें सुनते हैं जिनसे या तो आपको कुछ खासा फायदा नहीं होता, या कहें आपको उस जानकारी से कुछ खासा लेना देना नहीं होता, या आपको फर्क ही नहीं पड़ता। और यदि आप ठीक से गौर करेंगे तो शायद आप पाएंगे कि आप अक्सर रिपीटेड चीजों को ही सुनते हैं, जैसे कि आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है, प्रेम जीवन में थोड़ी तकलीफें आ सकती है, आज के दिन आपके घर में कुछ मेहमान का आगमन हो सकता है, वगैरह वगैरह। हमें ऐसा लगता है कि जो लोग अपने समस्याओं को ध्यान में रखकर ये राशिफल वगैरह देखते हैं उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता। किसी वीडियो में नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करने के बाद या तो वो नंबर लगता नहीं, या तो कुछ लोग थोड़े बहुत फीस की मांग करते हैं, पर फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उनके द्वारा दिए गए सलाह से आपका कुछ भला हो सकता है या नहीं, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मांग रहे हैं जिन्हें आप जानते नहीं और उसके साथ साथ आप ये भी नहीं जानते कि वो इंसान का अनुमान असलियत में सही निकलता है या गलत। एकदम गहरे विषय या समस्या पर यदि आपको सलाह चाहिए तो हमारा सुझाव यही होगा कि आप अपने इलाके में कोई अच्छा सा पंडित से सलाह मशवरा जरूर लें। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ सलाह लेना काफी नहीं होता। यदि आपके कुंडली में कुछ दोष है जिस वजह से आपको काफी संकटों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको उस दोष से संबंधित कुछ पूजा पाठ करवाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ सकता है। पर यदि आपको कुछ छोटी मोटी तकलीफें हैं, जैसे कि आप जानना चाहते हो कि आपको जॉब कब मिल सकता है, या आपका प्रेम जीवन में कोई रिश्ता कब सफल होगा, या कहें आपके कुंडली में दूसरा शादी लिखा है या नहीं, तो यदि आपके मन में ऐसे कुछ प्रश्न हैं, तो उस विषय पे बहुत सोच समझकर हम इस नतीजे पे आए हैं कि YouTube के माध्यम से जितना हो सके हम आपकी मदद करेंगे। उसका हमने ये समाधान निकाला है कि आपके परेशानी को वीडियो के नीचे इंग्लिश या हिंदी में कमेंट करें। हमने उदाहरण के तौर पे नीचे कमेंट पे एक फॉर्मेट लिख रखा है, उसे या तो कॉपी कर लीजिए और उसमें अपनी जानकारी भर दीजिए, या तो ठीक वही जानकारी देकर हमें अपनी परेशानी व्यक्त कीजिए। कमेंट किस तरीके से करना है उसका उदाहरण आपको दे देते हैं। शुरू करते हैं नाम से। मान लीजिए नाम होगा निर्मल जैन, जन्म 30 नवंबर 1970। एक बात का ध्यान रखें कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही लिखें। जन्म स्थान पटना, जन्म का समय दोपहर 2:15। और आपकी क्या परेशानी है, उदाहरण के तौर पे परिवार में संतान के आने का योग कब है। ठीक इसी तरह से नीचे वीडियो पर कमेंट करें और हम केवल 2 से 3 दिनों में आपको इसका उत्तर दे देंगे। ना कोई फीस और ना कोई परेशानी। और इसके अलावा आप दूसरों के कमेंट को चेक करके हमारे अनुमान का अंदाजा भी लगा सकेंगे। कुछ लोग होते हैं जो जानबूझकर कुछ गलत लिख देते हैं, तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अपना कमेंट नीचे जरूर डालें ताकि हमें आपका सेवा करने का मौका मिले। जो कुछ भी होगा वो सबके सामने होगा, तो किसी भी प्रकार का फ्रॉड का कोई झमेला नहीं। आपके जेब से ना तो कोई पैसा जाएगा, आपको बस अपना समस्या व्यक्त करना है और शायद हमारे सलाह या सुझाव से आपको अपने जीवन के परेशानियों से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हम ये गारंटी तो नहीं देते हैं कि हमारा अनुमान या सलाह 100% सही होगा, पर जितना हो सके उतना कोशिश करके आपकी कुछ सहायता जरूर करेंगे। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि इस YouTube के माध्यम से जितना हो सके हम उतने लोगों का भला कर पाएंगे और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस वीडियो का भाग्य कहां तक लिखा है। फिलहाल अब इस वीडियो में बस इतना ही। अपने परेशानी को नीचे कमेंट करें और हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद।